हे वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल कैमरा में। तो मैं लिए आपके लिए लेके आया हूँ न्यू कस्टम रूम। तो गाइस फटाफट से आ जाइए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। गाइस आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, आप लाइक देख के चले जाते हो वीडियो को। तो गाइस फटाफट से आ जाइए, तो देख लेते हैं बंदे कहाँ कहाँ पे जाते हुए। फिलहाल देख लेते हैं अभी कि बंदे कहाँ कहाँ पे जा रहे हैं। टीम नंबर 16 जो किया है गाइस मिल्टा पावर की तरफ उतरते हुए। टीम नंबर 1 अभी प्लेन में ही है। टीम नंबर गाइस 6 लिपोप का जाते हुए। टीम नंबर 1 का एक बंदा लिपोप का जाते हुए। टीम नंबर 1 का एक और बंदा मेंशन की तरफ जाते हुए। टीम नंबर 5 भाई सब सेल्टर की तरफ बढ़ते हुए। टीम नंबर 8 मिल्टा पावर की तरफ जाते हुए गाइस। टीम नंबर 9 है जो कि गाइस सेल्टर की गुफा की तरफ जा रहे हैं। जो गाइस टीम नंबर 13, टीम नंबर 11 एंड टीम नंबर 2 पोचिंकी की तरफ बढ़ते हुए गाइस। और टीम नंबर 1 का एक बंदा मेंशन उतरते हुए। और टीम नंबर 9 है गाइस जो कि कामिस की जाते हुए। और ये टीम नंबर 3 एंड टीम नंबर 10 उधर जोर से फुल जाते हुए गाइस। और ये टीम नंबर 13 का बंदा कोचिंग की में पहुंचते हुए गाइस। टीम नंबर 16 है जो कि मिल्टा पावर में है। और लिपोप का में टीम नंबर 6 के बंदे M16A4 और DP मिलते हुए पंडित। एंड टीम नंबर 1 का एक बंदा इधर ही है गाइस जिनको हमको फाइट देखने को मिल सकती है। और ये टीम नंबर 1 के बंदे को क्या डैमेज मिलेगा। और ये DP से नॉक कर दिया गया। टीम नंबर 6 ने टीम नंबर 1 के एक बंदे को नॉक कर दिया गया। और गाइस क्या फिनिश करेंगे टीम नंबर 6। और गाइस इनको फिनिश करते हुए देख सकते हो गाइस, ये पता नहीं फिनिश करने में इतना टाइम क्यों लगा। चलो फिनिश कर दिया गाइस इन्होंने टीम नंबर 1 के एक बंदे को भाई साहब पंडित। गजब खेला भाई साहब फर्स्ट किल लेते हुए अपनी टीम के लिए। और गाइस हमको फाइट देखने को मिल सकती है टीम नंबर 14 डायनो हर्षित की तरफ से या डायनो सेवा की तरफ से, क्योंकि इनके पास ही टीम नंबर 2 है जो कि है कि गाइस हंटर भाई, इसमें बाप राहुल है, बाप किंग है गाइस, और लोकेश भी है आज इस टीम में टीम नंबर 2 में जो कि है कोचिंग के स्कॉड हाउस में। और गाइस इन्हीं के पास टीम नंबर 11 जो कि इकल देवा निंजा ऋतुराज एंड अनिल चतुर्वेदी गाइस। तो फटाफट से देख लेते हैं इनका गेम प्ले। और ईगल देवा के पास शॉर्ट गन और M16A4 है। और निंजा एक के पास स्कारल है, स्कारल से डैमेज देते हुए थोड़ा हर्षित को। और ये हर्षित को फुल नॉक कर दिया है निंजा ने। क्या निंजा को रिवाइव, वो हर्षित को रिवाइव मिलेगा। हर्षित को रिवाइव देने के लिए शॉर्ट गन है स्पाइडर के पास। और ये डायनो सिवा जाते हुए हर्षित को रिवाइव देने के लिए। और डायनो सिवा को नॉक कर दिया है देवा के द्वारा, नॉक कर दिया गया है डायनो सिवा को। और निंजा यहाँ पे हीलिंग करते हुए गाइस फटाफट से हीलिंग कर रहे हैं। क्या रश करने को मिलेगा। हाँ गाइस निंजा भाई रश कर रहे हैं गाइस इधर डायनो हर्षित। और देवा ने एक बंदा डायनो हर्षित को पूरा खा चुके हैं। और ये सामने स्पाइडर को नॉक कर दिया है निंजा ने, स्पाइडर को नॉक कर दिया निंजा ने और फिनिश कर दिया पूरा स्पाइडर को। और देखने को मिलेगा क्या डायनो भाई साहब फुल वाइप आउट कर दी हुई टीम नंबर 11 ने। 2 किल निंजा के पास, 2 किल देवा के पास गाइस। गुड गेम प्ले देखने को मिला टीम नंबर 11 की तरफ से। टीम नंबर 13 को फुल वाइप आउट कर दिए। अब देखते गाइस कहाँ पे फाइट देखने को मिल सकती है हमको, जल्दी से चलते हैं यहाँ से। दो किल निकाले इन्होंने अपनी टीम में। और गाइस 2 नंबर की टीम है जो कि है स्कूल के पीछे वाले स्कॉड हाउस में जा चुकी है, यहाँ से फॉल बैक कर चुकी है गाइस। यहाँ से गाइस हमको फाइट देखने को मिल सकती है टीम नंबर 4 और टीम नंबर 10 में जो कि है जोर जपल सेट ही। जल्दी से देखते हैं गाइस इधर फाइट देखने को मिल सकती है हमको फटाफट से। AK-47 महेश एंड हाइपर की टीम है, हाइपर हर्ट्स की टीम है सामने गाइस। देख लेते हैं कौन सी टीम जिंदा थे। और ये सेल्फी निकू जोर जपल सिटी में लूटते हुए इनके सामने है AK-47 की टीम इनको मिली है गाइस। M16A4 और क्या मिनी ले रहे हैं, नहीं M16A4 और UZI है इनके पास, UZI माइक्रो UZI है। तो गाइस देख लेते हैं AK-47 ब्लड ओपी भाई साहब, ब्लड ओपी टीम नंबर 4 आगे बढ़ती हुई टीम नंबर 10 की तरफ। टीम नंबर 10 और ये AK-47 महेश ओपी गाइस दोनों टीम नंबर 10 की तरफ आगे बढ़ते हुए नज़दीक जाते हुए, क्लोज जाते हुए बंदे।
क्या इन्होंने एक्सपेक्टेड किया टीम नंबर 10 के बंदों को। और गाइज ये पवन है हाइपर हाइपर हार्स भी है इधर हाइपर, और ये भाई साहब राज भाई सेल्फी नीकू टीम नंबर 10-4 के नज़दीक जाते हुए दोनों बंदे। और इनके पास में ही गाइज AK-47 ब्लड ओपी है इनके नज़दीक ही है। और गाइज अभी AK-47 ये भाई साहब 10 OP भाई साहब, और यहाँ देखने को मिल सकता है गाइज हमको फाइट देखने को मिल सकती है टीम नंबर 4 और टीम नंबर 10 के बीच। और ये गाइज साहब टीम नंबर AK-47 यू भी इधर पहुँच चुके हैं, और टीम नंबर AK-47 ने यू भी ने एक नॉक किया टीम नंबर 10 के एक बंदे को नॉक कर लिया गाइज। और ये फिनिश करते हुए पवन को DFC पवन को नॉक करके फिनिश कर दिया है AK-47 यू भी भाई ने। गुड गेम प्ले देखने को मिल रहा है टीम नंबर 4 के द्वारा एक किल निकालते हुए AK-47 UV और आगे की तरफ जाते हुए गाइज यहां से पीछे की ब्लड उनके साथ आए AK-UV की तरफ आते हुए AK-47 ब्लड OP भाई साहब नज़दीक जाते हुए बंदे अपने टीममेट्स के पास जाते हुए यहां से क्योंकि उनको बैकअप चाहिए तो बैकअप देने के लिए जा रहे गाइज यहां से। इनके पास स्कार और AKM है क्या टीम नंबर 1 की तरह रस करेगी या क्या गाइस इज द टीम नंबर 10 नंबर 4 के द्वारा हमको रस देखने को मिल सकता है टीम नंबर 10 के ऊपर। तो गाइस देख लेते हैं फटाफट ये एक ब्लड ओपी नीचे कूदते हुए ऊपर अपार्टमेंट से, और गाइस ये लूटते हुए बंदे को जो इन्होंने फिनिश किया था AK-47 UV ने। गाइस देख लेते हैं टीम नंबर 10 कहाँ पर पहुँच चुकी है, टीम नंबर 10 पीछे फॉल बैक करते हुए और ये टीम नंबर 4 यहाँ से लूटते हुए गाइस। टीम नंबर 4 के बंदे टीम नंबर 10 के बंदों को ढूंढ रही है कि कहाँ पे आए हैं। और यस हाइपर हार्ट्स भाई इधर ओहो सेल्फी नीकू यहाँ से TP भी लेते हुए गाइस टीम नंबर 4 की लोकेशन से जाने की कोशिश कर रहे हैं हाइपर नीकू, और चलते हाइपर हार्ट्स की तरफ। हाइपर हार्ट्स पीछे से जंप करते हुए बिल्डिंग से गाइस, और ये भाई सब राज भाई इधर से देखते हुए उनके पास M24 है एंड माइक्रो उजी है। टीम नंबर 4 रोड क्रॉस करते हुए AK-47 UV एंड AK-47 ब्लड OP भाई सब दोनों ने रोड क्रॉस कर लिया है। क्या टीम नंबर 10 इनके ऊपर फायर करती है क्या देखते हैं गाइस इनके द्वारा क्या फायर करने को मिलेगा, क्या बंदे ने उनको एक्सपेक्टेड कर लिया टीम नंबर 10 ने इनको एक्सपेक्टेड कर लिया टीम नंबर 4 के बंदों को। और देखने हमको यहाँ पर फाइट देखने को मिल सकती है हाइपर हर्ट्स के द्वारा फायर, और ये सेल्फी और हाइपर हर्ट्स को नॉक करते हुए टीम नंबर 4 के बंदे भाई साहब ब्लड AK-47 UV ने दो बंदे नॉक कर दिए टीम नंबर 4 के 10 के गाइस। और ये राज भाई M24 चलाते हुए विद होलो से चला रहे गाइस जिनके पास कोई स्कोप नहीं है, और AK-47 UV ने नॉक कर दिया है राज भाई को भी। और क्या सेल्फी निको अपने टीममेट्स को रिवाइव दे पाएंगे या बचा पाएंगे कि गाइस नहीं गाइस उनको दोनों को फिनिश कर दिया गाइस। सेल्फी निको टीम नंबर 10 के अकेले बंदे बचे हैं, सोलो वर्सेज स्क्वाड हो चुका है सेल्फी नीकू के लिए। ये देखते हैं गाइस क्या किसी को फिनिश नॉक करके फिनिश करते हैं क्या। टीम नंबर 4 नज़दीक कर लूट करती हुई है इनके बंदों से, ब्लड OP नज़दीक जाते हुए टीम नंबर 10 के जो सेल्फी नीकू है सामने है। और ये क्या सेल्फी नीकू इधर फायर करते हैं देखने को मिलता है क्या देखते हैं। और ये गाइस AK-47 की तरफ से नॉक और किल मिलते हुए नीकू भाई का। आज नीकू भाई की टीम पिछले मैच में अच्छा खेल रही थी, आज उनको समाप्त कर दिया गया गाइस। चलो गाइस चलते हैं फिर से, हम चलते हैं यहाँ से देखते कौन सी टीम कहाँ पर लूट रही है निकलते गए यहाँ से। और ये टीम नंबर 8 हाइपर दीपू है, और ये डेविल रिमैन भाई सब इधर फार्म की तरफ लूटते हुए। इनके पास टीम नंबर 13 का बंदा है जो कि यहाँ से निकलते हुए कार लेके निकल रहा है गाइस, और वो निकल जाएगा कार लेके यहाँ से, और इन्होंने किसी ने भी स्प्रे ना दिया उसके ऊपर। और बंदा टीम नंबर 13 का बंदा निकलता हुआ और ये टीम नंबर 15 के दो बंदे इधर ड्रॉप लूटने के लिए आते हुए गाइस लाला एंड
एंड गाइस ये ड्रॉप लूटने के लिए आते हुए और ये ड्रॉप लूट लेंगे। और ये टीम नंबर 8 के बंदे क्या इनको एक्सपेक्टेड कर पाता है क्या गाइस? नहीं करा इन्होंने एक्सपेक्टेड। और टीम नंबर 13 का बंदा इनको देखते हुए गाइस टीम नंबर 8 को, टीम नंबर 15 के बंदे ने ड्रॉप लूट लिया और ये पोचिंग की तरफ बढ़ते हुए आगे की तरफ, पोचिंग के आगे जाते हुए गाइस दोनों के वन वन किले। और ये गाइस निंजा की टीम है, निंजा भाई दो किल निकाल चुके हैं गाइस। क्या हमको इनकी फायर देखने को मिले? दो किल लीगल देवा ने निकाले, दो किल निंजा ने, जो कि इन्होंने स्पाइडर एंड डायनो टीम को फिनिश किया था गाइस। टीम नंबर 15 इनकी तरफ बढ़ते हुए गाइस, टीम नंबर 11 की तरफ बढ़ते हुए टीम नंबर 15, क्या हमको फायर देखने को मिलेगी टीम नंबर 11 और टीम नंबर 15 के द्वारा? तो गाइस इन्होंने ठोक दिया कार को यहाँ पे और ये ईगल देवा ने डीपी हाथ में ले लिया। क्या डीपी का स्प्रे देंगे गाइस? नहीं गाइस डीपी का स्प्रे नहीं दे रहे बंदे। और ये निंजा भाई क्लोज करते हुए बंदों की तरफ बढ़ते हुए आगे की तरफ और देखते गाइस। और ये अनिल भाई भी आगे की तरफ बढ़ते हुए, तीनों चारों बंदे आगे की तरफ बढ़ते हुए टीम नंबर 15 की तरफ। और ये ऋतुराज भाई को नॉक कर दिया गया टीम नंबर 15 के द्वारा। और टीम नंबर 15 के एक बंदा नॉक कर दिया गया भाई साहब अनिल चतुर्वेदी के द्वारा। और इनका एक बंदा फिर ऋतुराज और ये निंजा भाई ने डेड कर दी टीम को। क्या रिवाइव मिलेगा? हाँ रिवाइव मिल जाएगा गाइस ऋतुराज को। गुड गेम प्ले देखने को मिल रहा है देवा निंजा की तरफ से, दोनों ने तीन तीन किल निकाल चुके हैं गाइस। और ये अनिल चतुर्वेदी को रिवाइव मिल जाएगा। बहुत शानदार गेम प्ले देखने को मिल रहा है अभी तक। इनके 6 किल हो चुके हैं, इनकी टीम के अभी तक हाईएस्ट किल है इनके टीम के 6 किल। देखते हैं गाइस लास्ट में इनके कितने किल मिलते हैं और कौन सी टीम सबसे ज़्यादा किल लेके जाती है आज के इस कस्टम रूम से। तो गाइस ध्यान रखिए कि नेक्स्ट वीक से टूर्नामेंट करने वाले हैं हम नेक्स्ट मंडे से। तो गाइस ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करना नेक्स्ट मंडे से, इसके आपको बता दिया जाएगा, आपको मैसेज करके बता दिया जाएगा गाइस। और गाइस अब देखते कौन टीम नंबर 6 टीम नंबर 5 है जो कि गाइस सेल्टर पे है, जो कि अनिल अमित मीना है, अमित मीना प्रो का साइज जीएस जो है हीलिंग कर रहे हैं। और इन्होंने अभी एक टीम को वाइप आउट कर चुके हैं यहाँ पे टीम नंबर 5 हील अप करते हुए कसाई जी एस सर और अमित मीना प्रो। बस चलते हैं यहाँ से। टीम नंबर 6 गाइस जोन में की तरफ बढ़ते हुए एंड टीम नंबर 17 भी जोन में आ चुकी है गाइस। टीम नंबर 2 के नज़दीक आते हुए टीम नंबर 17 है, टीम नंबर 4 टीम नंबर 11 के नज़दीक आते हुए गाइस क्लोज AK-47 ब्लड ओपी वाली टीम आ चुकी है गाइस जोर जोपल से यहाँ पे। और इन्होंने डैमेज देते हुए और ये ब्लड ओपी की हेल्थ 1 HP बचते हुए गाइस बहुत शानदार। और 1 HP का एक बंदा आते हुए इधर फर्स्ट बैकअप में अपनी टीम को बैकअप देने के लिए आ चुका है। और AK-47 UV को भी बहुत ज़्यादा डैमेज मिला गाइस। ईगल देवा इधर ऊपर बैठे हुए, क्या ईगल देवा निंजा दोनों मार पाते बंदे। और ये ईगल देवा के DP का स्प्रे और बंदा नॉक होते हुए गाइस क्या फिनिश कर पाएंगे? नहीं ईगल देवा को डैमेज मिलता हुआ घर से। और इन्होंने देखा है बंदे को एक्सपेक्टेड कर लिया ईगल देवा ने कि कहाँ से मार रहे। और ये निंजा भाई ने एक बंदे को नॉक कर दिया और ये ईगल देवा को डैमेज मिलता हुआ 2 बंदे नॉक है गाइस। उधर टीम नंबर 4 के, क्या टीम नंबर 4 के बंदे को रिवाइव मिल जाएगा गाइस? हाँ रिवाइव मिल जाएगा गाइस। AK-47 के अनिल चतुर्वेदी को नॉक कर दिया, क्या अनिल चतुर्वेदी को रिवाइव देंगे ईगल देवा? तो देखने को मिलता है गाइस टीम नंबर 4 का एक बंदा फॉलो बैक करके टीम नंबर 11 की तरफ बढ़ते हुए निंजा ने इसको एक्सपेक्टेड कर लिया है, स्पॉट कर लिया बंदे को, स्पॉट कर लिया। तो देखते गाइस निंजा भाई इसको मार पाते क्या? नहीं। तो देखते गाइस फटाफट से TPP लेते हुए दोनों बंदे टीम नंबर 4 एंड टीम नंबर 11 के बंदे TPP लेते हुए, निंजा भी TPP लेते हुए टीम नंबर 4 का एक ब्लड ओपी भी TPP लेते हुए गाइस। ब्लड ओपी को निंजा की लोकेशन पता चलते हुए और निंजा उधर से TPP लेते हुए और ये दोनों निंजा नॉक होते हुए गाइस। एक ब्लड ओपी ने निंजा को नॉक कर दिया है गाइस। देखते हैं अब क्या होता है गाइस। इधर से ऋतुराज को नॉक कर दिया गाइस, ऋतुराज को फिनिश कर दिया टीम नंबर 47 ब्लड ओपी ने निंजा ऋतुराज को। और ऋतुराज एक टीम AK-47 का एक बंदा नॉक होते हुए गाइस। और ये ईगल देवा AK-47 ब्लड ओपी को नॉक करते हुए गाइस ईगल देवा बहुत शानदार गेम प्ले देखने को मिल रहा है। ईगल देवा ने फिनिश कर दिया AK-47 ब्लड ओपी को। क्या वो निंजा को रिवाइव देने जाएंगे? AK-47 UV भाई अपने बंदे को रिवाइव देने जाएंगे क्या गाइस? देखते हैं। अनिल चतुर्वेदी ने बंदे को नॉक कर दिया और फिर
गाइस बहुत शानदार गेम प्ले देखने को मिला टीम नंबर 11 की तरफ से। टीम नंबर 4 को फुल वाइप आउट कर दिया है और इंडिया को रिवाइव देते हुए गलदेवा बहुत शानदार किल। और गाइस 5 किल हो चुके हैं गलदेवा के और निंजा के 3 किल एंड अनिल चतुर्वेदी के 2 किल। गाइस गुड गेम प्ले टीम नंबर 11 अभी तक 10 किल निकाल चुके हैं गाइस, सबसे ज़्यादा किल है और शानदार गेम प्ले देखने को मिल रहा है, रस गेम प्ले दिखा रहे हैं टीम नंबर 11। गाइस अब चलते हैं टीम नंबर 3 की तरफ जो टीम नंबर 17 को डैमेज देते हुए, इनका नाम है काका हाय सॉरी इनका नाम है गाइस जी जियो सोल एंड रितेश एंड गाइस इनका एक बंदा पबजी बॉय था। और ये सामने है सिमी महर, क्या सिमी महर को डैमेज दे पाएंगे नूब मिस्टर नूब क्या सिमी महर को नॉक कर पाएंगे। गाइस ऊपर छत पे है सिमी महर और डैमेज मिलता है वो सिमी महर को और पीछे की तरफ फॉल बैक करते रितेश भाई पीछे से दो इनके पास आते हुए टीम नंबर 3 की तरफ आते हुए गाइस एंड जियो सोल ऊपर छत पे ही है और ये उधर से टीवी प्ले तो और ये रोहित महर इनके नज़दीक जाते हुए टीम नंबर 3 के। तो गाइस क्या नॉक कर पाएंगे पूरी टीम को, अगर गाइस ये यहाँ से नेड फेंकते तो बंदे मर सकते हैं। नहीं गाइस इन्होंने M4 लिया हाथ में और एक बंदे को नॉक करते हुए और इन्होंने टीम नंबर 3 के 2 बंदे नॉक कर दिए। गाइस मज़ा आ गया गेम प्ले देख के, पीछे से फॉल बैक करने का मज़ा ही आ गया कुछ गाइस। और ये नूब को 22 को डैमेज और इन्होंने डैमेज दिया और ये रितेश महर को फिनिश कर दिया गाइस नूब मिस्टर नूब ने। और ये देखिए सिमी महर कार को फोड़ते हुए गाइस क्या सिमी महर और पीछे से जीव सोल भी आ चुके हैं एंड सिमी महर और ने पूरा ऑल डेड कर दिया टीम नंबर 3 को। गुड गेम प्ले सिमी महर का, इधर ऊपर से कार को फोड़ के डैमेज देते हुए बंदे को और फिर फिनिश कर दिया। एक गुड गेम प्ले, एक इनके पास AWM है और M4 है, नाइस। और चलते हैं बाप राहुल की स्कूल अपार्टमेंट पर लूट रही है गाइस एंड टीम नंबर 8 जो कि हाइपर डीपी एंड हंटर वाई टीम नंबर वाप किंग की तरफ से जो कि स्कूल अपार्टमेंट में, इनके सामने टीम नंबर 17 है। इन्होंने सिमी महर एंड जी उसको देख लिया है यहाँ से और ये टीपी पे लेते हुए स्नाइपिंग शॉट देते हुए यहाँ से। और गाइस कसम डार्क आकाश ने एक बंदे को 9 किल कर दिया गाइस, इधर टीम नंबर 18 ने फिनिश कर दिया एक बंदे को गाइस। और ये है पोचिंग के पीछे वाले स्क्वाड हाउस में गाइस, क्या टीम नंबर 11 इनको स्पॉट कर दिया गाइज यहाँ पे, अगर स्पॉट कर दिया तो गाइज बहुत शानदार के स्नाइपिंग देखने को मिल सकती है हमको टीम नंबर 11 एंड टीम नंबर 18 के द्वारा, क्योंकि टीम नंबर 11 के पास है AWM एंड M24। गाइज देखते हैं कौन सी टीम पोचिंग पे अपना दबदबा बनाए रखती है। गाइज टीम नंबर 17 जोन में आते हुए एंड टीम नंबर 2 भी धीरे धीरे गाइज जोन की तरफ बढ़ने के और टीम नंबर 6 भी जोन की तरफ आते हुए और ये बाप किंग यहाँ से स्प्रे देते हुए पर बंदे निकल चुके हैं। टीम नंबर 17 सिमी महर एंड जियो सोल भाई सब जोन पोचिंग की तरफ जा चुके हैं गाइस एंड ये लोकेश भाई इधर से जोन में की तरफ जाते हुए गाइस, यहाँ से इनको जोन में निकलना पड़ेगा क्योंकि जोन स्टार्ट होने वाला है थोड़ी देर में। एक स्कूल अपार्टमेंट लूट रहे गाइस यहाँ पे और टीम नंबर 5 भी जोन की तरफ आते हुए अमित मीना प्रो एंड कसाई GS एंड भाई रावण भाई तीनों बंदे टीम नंबर 5 के एक एक किल निकाल चुके हैं दो बंदे एंड टीम नंबर 11 गाइस अभी तक 10 किल के साथ सबसे हाईएस्ट पोजीशन पा रखी है इन्होंने अभी तक किल रेटिंग किल के पोजीशन पे। एक और इन्होंने टीम नंबर 18 को स्पॉट कर लिया है निंजा भाई ने और निंजा भाई ने टीम नंबर 18 को देख लिया गाइस यहां से देखते गाइस टीम नंबर निंजा भाई के पास गाइस ऑग एंड M4 है और ये यहाँ से स्प्रे देते हुए M4 का गुड स्प्रे है M4 का इनके द्वारा गाइस। इनकी तरह निंजा की टीम के पास आती हुई टीम नंबर 17 जो कि है सिमी महर और जियोस और बाप किंग की टीम गाइस स्क्वाड हाउस में आते हुए पोचिंग के स्क्वाड हाउस की तरफ आते हुए बाप किंग टीम एंड हर्षित की हंटर भाई की टीम इधर आती हुई गाइस और ये सिमी महर छत के ऊपर जाती है जाने की कोशिश करते हैं। और ये टीम नंबर 17 इकल देवा जो कि M4 चला रहे गाइस और ये सोल डेविल को क्या नॉक कर पाते गाइस शॉट देते हुए गेट पे शॉट देते हुए गाइस बंदे और ये हीलिंग करते हुए सोल डेविल स्पॉट करते हुए इंडियन हंटर
टीम नंबर 18 के कानन किट है इनके पास, बीते टैक्स इनको रिस्पेक्टेड नहीं हुए बंदे गाइस। और ये डार्क बिल्लू भाई सब ऊपर बैठ के कैंप कर रहे हैं यहाँ से देखने के, टीवी पे लेके देख रहे गाइस। चार स्क्वाड गाइस पोचिंग के आसपास है गाइस, बहुत शानदार। और ये टीम नंबर ईगल देवा M24 चलाते हुए क्या नॉक कर पाएंगे बंदे को, देख लेते गाइस फटाफट से। और सिमी मैन ने ईगल देवा को एक्सपेक्टेड कर लिया गाइस, स्पॉट कर लिया है। क्या स्पॉट AWM का शॉट देखने को मिलेगा सिमी मैन के द्वारा, ईगल देवा को नॉक किया जाएगा तो गाइस देख लेते। और ये ईगल देवा को नॉक कर दिया है सिमी मैन ने गाइस फटाफट से देख लेते। और निंजा भाई उधर रिवाइव देने के लिए बढ़ते हुए गाइस फटाफट से देख लेते। और क्या सिमी मैन उधर रश करेगी जी, उसे इनको हेल्प दे पाएंगे गाइस, देख लेते हैं टीम नंबर 18 उधर। और ये निंजा भाई अपने टीममेट्स को ईगल देवा को रिवाइव देते हुए गाइस यहाँ पे। और सिमी मैन रश करते हुए इधर जियोस भी इधर आ रहा है गाइस। और ये देखने को मिल रहा है कि हमको रश गेम प्ले देखने को मिलेगा सिमी मैन के द्वारा। और गाइस ये नेड करा इन्होंने, और ये नेड देख लेते सही होता है कि नहीं। निंजा भाई यहाँ से फॉल बैक करते हुए, ईगल देवा अभी हीलिंग कर रहे गाइस। और ये 3 स्टोरी में पहुँच चुके हैं निंजा भाई, यहाँ से निकल गए उस वाले घर से। और ईगल देवा भी निकलते हुए गाइस यहाँ से, और ईगल देवा को डैमेज देते हुए जीउस एंड सिमी मैन ने डैमेज दिया ईगल देवा को। और ये बन एच भी बचते हुए जीउस, क्या नॉक कर पाएंगे जीउस इधर। और ये ईगल देवा ने रश करने की सोची है गाइस, इधर रश कर सकते हैं गाइस, देखते हैं हीलिंग करते हैं या हीलिंग करते हैं या रश करेंगे। और गाइस रश करने की सोची है ईगल देवा ने, और ये जीउस को ख़त्म कर दिया गाइस। और इन्होंने सिमी मैन को भी ख़त्म कर दिया ईगल देवा के द्वारा, 2 किल। और बाप हंटर एंड बाप किंग की टीम इधर आती हुई गाइस, हंटर और बाप किंग, बाप राहुल की टीम और लोकेश भाई की टीम नज़दीक आती हुई पोचिंग की टीम नंबर 11 की तरफ गाइस। देखते हैं कि इनकी फायर देखने को मिलती है क्या नहीं, फटाफट से देखते हैं गाइस क्या होता है गेम प्ले। बहुत शानदार गेम प्ले देखने को मिल रहा है आज टीम नंबर 11 की तरफ से। अभी तक ये 12 किल निकाल चुकी है अपनी टीम के लिए। और इनके पास AWM है, ईगल देवा गिली शूट है। और गाइस गुड गेम प्ले अभी तक इनके द्वारा देखने को मिल रहा है। टीम नंबर 18 डार्क आकाश यहाँ से निकल चुके हैं गाइस। और सोल लेवल भी इन्हीं के साथ गाइस देखने को मिल सकता है, ये ड्रॉप के पास आया लूटने के लिए। और टीम नंबर 5 बाप किंग उधर आते हुए भाई सब टीपी पे लेके देखते हुए, टीम नंबर 11 को टीपी पे देखते हुए बाप किंग, बाप राहुल, लोकेश इनकी टीम, टीम नंबर 2 की टीम। और टीम नंबर 8 भी जोन में जाती हुई गाइस हाइपर टीम है, जो कि बाप राहुल की टीम टीपी पे लेके देखते हुए टीम नंबर 11 को। इन्होंने अभी तक एक्सपेक्ट नहीं किया है बंदे को। निंजा भाई और नीरज और ये टीम नंबर 8 की फाइट हो रही है टीम नंबर 18 से स्प्रे देते हुए। और कार डैमेज, बहुत ज़्यादा डैमेज मिल चुका है कार को टीम नंबर 8 को। एंड टीम नंबर 8 के हाइपर दीपू, हाइपर हर्ष और भाई सब इन्हीं भाई सब इनको डैमेज मिलते हुए। टीम नंबर 18 के सोल डेविल को भी डैमेज मिलता हुआ थोड़ा, क्या देखते हैं रश करने को मिलेगा इधर, देखते हैं गाइस। और ये डार्क आकाश ये कार 98 चला, इंडियन हंटर भाई सब कार 98 चलाते हुए और एटैक्स से देखते हुए। और ये हाइपर भाई पिक लेते हुए, और ये इन्होंने इंडियन हंटर ने नॉक कर दिया एक बंदा 18 नंबर 8 का। क्या उधर रस करने को मिलेगा क्या, देखते क्या रस देखने को मिल सकता है। और हाइपर डीप इधर, और ये देखिए गाइस डेविल, देखते गाइस क्या होता है यहाँ पे, सन्नाटा छाता हुआ गाइस टीम नंबर 8 के लिए बहुत ही। और ये सैक का कवर लेके बैठे, और टीम नंबर 18 धीरे धीरे नज़दीक जाते हुए साफ बनते हुए। और टीम नंबर 5 उधर से डैमेज दे रही है गाइस टीम नंबर 18 के ऊपर उधर से, जो कि है गाइस अमित मीना प्रो की एंड कसाई जीएस की टीम है, जो कि टीम नंबर 5 ऊपर से उधर डैमेज देती हुई टीम नंबर 18 को। टीम नंबर 8 के बंदे बाहर आते हुए, और ये टीम नंबर 8 का एक बंदे को नॉक करते हुए, और ये टीम नंबर 8 फुल वाइप आउट होती हुई गाइस यहाँ पे। टीम नंबर 18 के बंदे को डैमेज मिलता है, और एक बंदा नॉक है टीम नंबर 18 का। टीम नंबर 5 के बंदे ऊपर से शॉट लेते हुए गाइस इधर, और देख लेते गाइस। और ये बाप किंग जोन से प्ले जोन से मरते हुए गाइस। और इंडियन हंटर ने अमित मीना प्रो को नॉक कर दिया का 98 के द्वारा गाइस। और इधर भाई सब डार्क बिल्लू को रिवाइव मिल जाएगा। और इधर इधर गोल्ड
जिस रिवाइव दे रहे हो, और ये कसाई जीएस यहाँ से देख रहे हैं बंदों को इस पॉकेट, और निंजा भाई ने एक को नॉक कर दिया इंडियन लोकेश को, जो कि है बाप किंग की टीम का बंदा भाई, उसको लोकेश को फिनिश कर दिया गाइस। और ये बाप किंग प्ले जोन से ख़त्म होते हुए गाइस, दो बंदे बचे हैं टीम नंबर टू के, इनके पास ए डब्ल्यू एम है चांग के पास, निंजा भाई के पास, और ईगल देवा के पास भी ए डब्ल्यू एम है गाइस। गुड गेम प्ले। ओह गाइस, इन दोनों के किल अभी तक 14 किल हो चुके हैं टीम नंबर 11 के गाइस, 14 किल, 6 किल लीगल देवा के, 5 किल शांग के, और गाइस डार्क का आकाश ने एक बंदा नॉक कर दिया है, आकाश एक बंदा नॉक कर दिया है डीपी से कसाई जीएस को। क्या अमित मीना प्रो इसको रिवाइव दे पाएंगे? हाँ गाइस, इसको रिवाइव मिल जाएगा इधर से। इनको जोन में जाना है टीम नंबर 5 को फटाफट से, और टीम नंबर 2 को देख लेते हैं गाइस, बाप राहुल एंड बाप किंग जोन में आते हुए टीम नंबर गाइस ईगल देवा की तरफ आते हुए। अनिल चतुर्वेदी को नौ, एक बंदा नौ कर दिया है, और ये गाइस ईगल देवा की तरफ एक बंदा आते हुए, और ईगल देवा क्या फिनिश करेंगे, और डीपी से फिनिश कर, ईगल देवा ने M4 से फिनिश कर दिया है गाइस। गुड गेम प्ले देखने को मिला ईगल देवा के द्वारा, एक और किल गाइस ईगल देवा के उसमें खाते में, जो 7 किल निकाल चुके हैं ईगल देवा यहाँ पे, और निंजा भाई 5 किल, और अनिल चतुर्वेदी 3 किल ले चुके हैं गाइस। टोटल किल होते हैं टीम के 15 किल, और भाई साहब बाप राहुल ने कार से चढ़ा दिया है डार्क आकाश के ऊपर, और पूरा किल ले लेंगे गाइस टीम नंबर 18 के एक बंदे को खा चुके हैं। और ये क्या गाइस टीम नंबर 18 के बंदों को और को खा सकते हैं क्या बाप राहुल की टीम का, इस कार से मारते हुए, कार चढ़ाते हुए बंदों के ऊपर, और जोन चालू हो चुका है गाइस, जोन अब डैमेज देने वाला है, और ये जोन का फ्यूल, कार का फ्यूल ख़त्म गाइस, और टीम नंबर 5 भी यहाँ पे रुकते हुए जोन के किनारे पे ही, और ये टीम नंबर डार्क बिल्लू को नॉक कर दिया, डब आप राहुल को नॉक कर दिया गाइस, और हंटर भाई जोन की तरफ भागते हुए, क्या हंटर भाई को जोन से बच सकते हैं देख लेते हैं गाइस। और ये सोल डेविल उधर से डैमेज देते हुए, और इंडियन हंटर ने, और ये बिल्लू भाई ने उसको नॉक कर दिया, बाप राहुल की टीम को इंडियन हंटर ने फिल वाइप आउट कर दिया गाइस टीम नंबर 2 को, जो कि थी बाप किंग है, बाप राहुल की टीम थी। और ये शांक और देवा भाई दोनों ए डब्ल्यू एम चलाते हुए, और दो बंदे नॉक कर दिए टीम नंबर 18 के, एक बंदा बचा है, अनिल चतुर्वेदी ने डीपी से एक नॉक बंद कर दिया, नॉक कर दिया है बंदा, और ये कसाई जीएस ने अनिल चतुर्वेदी को नॉक कर दिया गाइस देख लेते। और ये टीम नंबर शांक ने एक बंदा फिर से नॉक कर दिया टीम नंबर 5 का गाइस, देखते हैं बंदा क्या अनिल चतुर्वेदी को रिवाइव दे सकते हैं क्या गाइस। टीम नंबर 18 का एक बंदे को स्पॉटेड कर लिया रिवाइव देते हुए, और ईशांग उनको स्प्रे देते हुए, उनको डैमेज देते हुए ए डब्ल्यू एम से, और फिनिश कर दिया है ईशांग ने, और ईगल देवा भी उधर डैमेज देते हुए नॉक करते हुए बंदे टीम नंबर 5 के, और टीम नंबर 18 के बंदे को रनिंग हेडशॉट क्या आप देखने को मिल सकता है हमको गाइस देखते हैं गाइस। और गाइस ये बॉडी शॉट पड़ते हुए सामने वाले टीम नंबर 18 को समाप्त कर दिया निंजा भाई ने, बहुत शानदार गेम प्ले देखने को मिल रहा है निंजा की तरफ से। और गाइस ये ईगल देवा यहाँ पे हील अप करते हुए, फुल हीलिंग करते हुए, और ये कसाई जीएस हील अप करते हुए अपने आप को, एंड इनको जोन में जाना है तो गाइस फटाफट जोन में देखने को जाने को मिल रहा है। और ये हेड शॉट देते हुए निंजा भाई ने हेड शॉट दिया इसको कसाई जीएस को, और गाइस गुड हेड शॉट दोबारा से रावण को नॉक कर दिया है निंजा भाई ने, और एक ही बचाया अमित मीना प्रो बचा है, क्या एक्सपेक्टेड कर लिया है निंजा भाई ने देख लेते हैं अब की पता चलता है गाइस, नहीं गाइस अभी एक्सपेक्टेड नहीं किया है और देखते गाइस अभी पता चलता है की कल देवा, और एक बंदा नॉक हो जाएगा, और भाई साहब निंजा भाई ने एक बंदे को फिनिश करते हुए। तो गाइस कैसा लगा गेम, ये रहे गेम खेल हाइएस्ट निंजा टीम।